तो जब से हमारा शादी हुआ है तब से हमसे एक ही क्वेश्चन सभी जगह पे होता है। मैं अधिकतर कई बार कहीं भी गया तो एक ही क्वेश्चन सब लोग पूछते हैं कि आपका शादी लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है। तो बताइए वैशाली, हमारा शादी लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है? बता बता दूं सच्ची दो, सही में बता दो। अरे नहीं बताती बता दो। चलो देखते हैं पलटाने आता है कि नहीं आता है। अगर टूट गया तो नहीं आता। देना तो खाने के लिए, भूख लग रही है। आपको तो कब से चिल्ला रही हूँ ना। हाँ, चिल्लाती भी है। कैसा लगा है? मस्त। तो अभी समय है सुबह का 5:18 और हमको माँ पापा और मेरे को जाना है रोजगार गारंटी में काम करने के लिए। तो वैसु बना रही है नाश्ता। नाश्ता खा के हम लोग जाएंगे महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में काम करने। तो अभी हम आ चुके हैं वापस अपने काम से। क्या बना रही हो? रोटी बना रही हूँ। क्या रोटी? मोटा रोटी। कितना ठो? तीन। हाँ, ये हमारी माता श्री है सेमी सब्जी बनाने के लिए। सब्जी को सुधार रही है। क्या सब्जी बनाएगी आज? सेमी। क्या क्या डालेगी? क्या क्या डालूंगी? सेमी बचा डालूंगी और आलू। और तो क्या भाटा नहीं टमाटर डालेगी? भाटा हाँ? देखना आग जल नहीं रहे, धुआं हो रहा है। आग जलाने नहीं आ रहे आपको? आटा है। नहीं आ रहे, आटा है ना। पूरा धुआं धुआं हो रहा है। फिर रोटी पूरा धुआं धुआं लगेगा। नहीं होगा ना भाई। रोटी बन जाने के बाद आपको दिखाते हैं। वैशाली बहुत ही अच्छा रोटी बनाती है, खाने में एकदम मजा आ जाता है, एकदम तगड़ा वाला। कैसे कैसे अच्छा बनता है रोटी? तेल डाले थे। कौन सा आटा का बना रही है? चावल आटा का। तेल डालने से अच्छा लगता है? यस। अच्छा ठीक है, बनने के बाद दिखाते हैं कैसा बनता है। ये हमारी नानी है और नानी अभी चाय पी रही है। अभी सुबह सुबह का टाइम है, सो के उठ के आई है और चाय पी रही है। फिर ब्रश व्रश करके रोटी खाई। ब्रश रोटी खाओगे कर डाली है। ब्रश कर डाले फिर रोटी खाओगे? हाँ। और ये हमारी माँ है। अभी हम लोग गए थे रोजगार गारंटी योजना में काम करने के लिए, उसके बाद आए हैं। अभी सब्जी सुधार रही है, फिर उसके बाद हम लोग रोटी खाएंगे, फिर रोटी के बाद बनेगा सब्जी, फिर चावल। तो चावल हम लोग खाएंगे 12 बजे। चलो देखते हैं पलटाने आता है कि नहीं आता है। अगर टूट गया तो नहीं आता। आग एकदम जल रहा है भाई, क्या बात है। आग जलाने वाले का कमाल नहीं है, लकड़ी का कमाल है ना। हाँ। लकड़ी सूखा है ना। क्या मस्त दिख रहा है रोटी। फिर चाय बना रही है? किसके लिए? मेरे लिए भी। ठीक है। इधर हमारे पैड मास्टर साहब बैठे हुए हैं। तो छोटू भाई एकदम उस निंदा लग अनफॉलो कर दी। आज कितना तारीख है? आज है 10 तारीख है, आज गुरुवार। आज 10 तारीख है, कल 9 तारीख था। 9 तारीख को ढोड़ा में हम लोग का रामायण प्रोग्राम था, तो थोड़ा रात हो गया। तो छोटू भाई हमारे घर रुके हुए थे और अभी सुबह हो गया है, उठ गए हैं। तो चाय पी के जाएंगे अपने घर। तो चलिए अभी चाय पीते हैं, दिखाते हैं आपको चाय का टेस्ट कैसा है, बताते हैं। तो चाय बना है बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार। वैसु हमेशा चाय को बहुत ही अच्छा बनाती है, चाय पीने में मज़ा आ जाता है। बन गया रोटी? बन गया। यस। ये दिख रहा है, दिखा रहे जल्दी बनाना, भूख लग रहे हैं। रोटी का नाम थोड़ा क्या के साथ खिलाएगी रोटी? सब्जी बचा क्या रात को? सब्जी? हाँ दाल बची है। दाल? उम्मीद दाल की रहे दाल दोनों मिक्स होगा।
हम तो रात को थे नहीं, हम तो रात को रामायण में चले गए थे। रामायण में जाने के बाद मिलते हैं आलू चना, तो आलू चना खाए हैं, देखते हैं दाल के साथ रोटी बहुत अच्छा लगता है, दाल के साथ रोटी खाएंगे। अभी माँ बना रही है पताल का चटनी, और पताल चटनी के साथ ही हम रोटी खाएंगे। पताल चटनी के साथ जो मोटा रोटी होता है वो काफी बेहतरीन लगता है। बन गया रोटी? हाँ। बन गया? वहाँ भी और बचा है थोड़ा सा। हाँ। एक लोई बस और बचा है। ओहो, तो ये पताल का चटनी तैयार हो गया है। पताल के चटनी के साथ खाएंगे हम ये वाला रोटी, मोटा रोटी जो कि चावल आटे से बना हुआ है। और इधर देखिए और भी बन रहा है वहाँ पे, और ये तैयार हो चुका है। तो खाते हैं और बताते हैं आपको स्वाद कैसा लगा है। कैसा लगा है? मस्त है। पताल का चटनी कैसे लगा है? और खाया थे कभी पताल का चटनी? हाँ। आप बनाया हो कभी पताल का चटनी? कितना बड़ा खा रही है? छोटा सा खा रही हूँ। देखो दिखा, इतना बड़ा को छोटा बोलती है। तो मैं अभी नहा खा के रेडी हो चुका हूँ। नन्हे के साथ मैं जा रहा हूँ रायपुर, उनके दांत का। अरे तो मैं उनके दांत का इलाज करवाऊंगा और आऊंगा रायपुर से। तो रायपुर से आपके लिए कुछ लाना? क्या लाना? पेस्टी। पेस्टी और क्या? आइसक्रीम। तो इधर रखा हुआ है? नहीं, खत्म होने वाला है। तो कितना खाती है ये ना, एक एक दिन में 100-100 रुपए का आइसक्रीम खाती है। तो इतना खाएगी गरीब कर देगी। नहीं करेंगे हमारे। मैं रायपुर से शाम को आऊंगा। नहीं नहीं नहीं, दिखा दिखा, फ्रिज पे आइसक्रीम रखा हुआ है ना। कहाँ रखा है भाई? दो पहले से आइसक्रीम रखा हुआ है, उसके बाद भी और आइसक्रीम खा। एक ही बस रखा हुआ है। अरे तो कितना लाना है? कितना लाना है? अरे चलो ठीक है, तो हम निकलते हैं रायपुर के लिए। हम जल्दी आते हैं वापस, फिर घर का आपको व्लॉग दिखाते हैं। तो अभी हम लोग अपने गांव से निकल चुके हैं रायपुर के लिए, और ये वह रास्ता है जो पुराना धमतरी रोड के नाम से जाना जाता है। उसी रोड पे हमारा गांव आता है। हम जब खोरपा से निकलते हैं तो हमारे गांव से जो रायपुर है वो 17-18 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, और ये पुराना धमतरी रोड के नाम से जाना जाता है जो भखारा होते हुए धमतरी जाता है। तो यह रास्ता जो है संतोषी नगर से सीधा सीधा खोरपा आता है, खोरपा से भखारा, फिर धमतरी, पुराना धमतरी रोड। अभी हम पहुंच चुके हैं रायपुर में, और रायपुर में आने के बाद हम जाएंगे कृष्णा नगर में, संतोषी नगर मार्केट जो होता है वहाँ पास एक हॉस्पिटल है। उस हॉस्पिटल पे नन्हे का दांत का जो है वो चेकअप करवाना है। उसके बाद चेकअप करवाने के बाद फिर नाश्ता वास्ता कुछ करेंगे, उसके बाद हम लोग घर के लिए फिर निकल जाएंगे। तो अभी हम हैं संतोषी नगर मार्केट के पास, और इधर से जो सीधा सीधा रास्ता जा रहा है वो कृष्णा नगर के लिए जाता है, और यहीं पे ही पास में है आयुष मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जहाँ पे हम लोग गए हुए थे। अभी यहाँ काम करवा के हम निकलेंगे नाश्ता करने के लिए। तो अभी हम लोग आ चुके हैं नाश्ता करने के लिए होटल, और होटल पे नाश्ता करने के जस्ट बाद हम जाएंगे फिर वापस घर, क्योंकि हमारा जो काम था वो हो चुका है। नाश्ता करके हम फिर से वापस घर के लिए निकल जाएंगे। अभी हम लोग निकल चुके हैं फिर से वापस घर के लिए, और जैसे कि हमारी मैडम जी हमको बोली थी उसके हिसाब से हम बहुत सारा सामान लेके जा रहे हैं। तो घर पे जाके आपको दिखाते हैं कि हम क्या क्या चीज़ उनके लिए खरीद के ले जा रहे हैं रायपुर से। तो अभी मैं रायपुर से आ चुका हूँ घर, और जैसे कि हमारी मैडम जी का फरमाइश था पेस्टी लाना करके, तो हम पेस्टी लेके आए हुए हैं, और अभी इसको खिलाएंगे पेस्टी। सर निकाल, यहाँ पे है पेस्टी। देख तो मैं क्या क्या लाया, देख तो। देखो मैं आपके लिए इतना सारा लाया, और इसको और देखो देखो क्या क्या है। क्या है? कपकेक। ओ, इसको बोलते हैं कपकेक। हाँ। मैं इसको खरीदा तो मेरे को पता भी नहीं था कि ये क्या चीज है करके, तो खरीद दिया, अच्छा दिख रहा था। तो कपकेक है ये। इस पे देख क्या क्या चीज है, रखो यहाँ पे। इस पे देखो, देखो हम हमारे पत्नी के लिए इतना सारा सेवा करते हैं। देखो देखो बताओ कौन सा फ्लेवर का है? ऑरेंज फ्लेवर। ओ समझ गए। और क्या है इस पे देखना और है?
चॉकलेट ये थैंक यू। ओहो खुश, कौन सा चॉकलेट है? डेरी मिल्क। कितना सारा हो गया? बहुत सारा। अभी तो मैं आया तो आइसक्रीम पकड़ के खड़ी थी। हाँ तो इसको रख दी ना। कितना टाइम खाएगी? और पेस्ट्री को तो रख दो फ्रिज पे, चॉकलेट को भी रख दो। इसको खाओ मैक सबको, ये छोटू वाला को। तो जमने दो हमें थोड़ा फ्रिज में, फिर उसके बाद खाएंगे। इसको हाफ हाफ खाते हैं ना अभी। हैं? हाँ ठीक है। तीन रख को रख दो, एक को खाते हैं। बस जमने दो, मैं थोड़ा सा पिघला को ठीक है, पिघला के ये दिखाई। इस पे कैसे जमाई है चूड़ी को? अरे अरे दिखा तो दो। ये गजब। चलो ठीक है, इस पे सर सेट करने का कंगन वगैरह। आधे लोगों को पता होगा और आधे लोग को पता नहीं होगा, मेरा शादी हो चुका है और ये हमारी धर्म पत्नी जी है जिनके साथ हमारा अब लगातार व्लॉग वीडियो आता रहेगा। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं जिस चैनल पे, इस चैनल का नाम है वासु वैसु लाइफ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करेंगे ना, और वीडियो को लाइक करेंगे, लाइक करेंगे वीडियो को, लाइक करेंगे। हाँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे आने वाले वीडियो को आप प्यार दुलार दीजिएगा। तो जब से हमारा शादी हुआ है तब से हमसे एक ही क्वेश्चन सभी जगह पे होता है। मैं अधिकतर कई बार कहीं भी गया तो एक ही क्वेश्चन सब लोग पूछते हैं कि आपका शादी लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है। तो बताइए वैशाली, हमारा शादी लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है? बता दूं? बता दो सच्ची, सही में बता दो। नहीं बताती। अरे बता दो। अरे बता दो, मैरिज है। हम दोनों बता रहे हैं मिलकर कि हमारा जो शादी है वो अरेंज मैरिज है, लव मैरिज नहीं है। तो इसी चीज को काफी लोग जानना चाहते थे हमसे, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं बेंजो चैनल पे और कई लोग हमको पर्सनली ऐसे दोस्ती यारी में भी जानते हैं। तो वो लोग हमसे जानना चाहते थे कि हमारा शादी लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है। तो हमारा शादी जो है वो 100% वाला अरेंज मैरिज है। इसके बारे में हम बाद में और आपको अगले वीडियो पे बताएंगे कि हमारा शादी अरेंज मैरिज है वो किस तरह से हम इसको देखने गए, क्या हुआ, इसके बारे में अगले वीडियो पे आपको बताएंगे। और इस वीडियो को यहाँ तक पूरा तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो को आप सब देख पाएं और इंजॉय कर पाएं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।